बगिया के हम भी फूल, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। देश भर से चुनावों के परिणाम शाम 4 बजे से आने शुरू हो गए हैं। भारतवर्ष के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी उम्मीदवार को अपने चुनावी क्षेत्र के सभी वोट प्राप्त हुए हों। सिटी गांव से चुनाव लड़ रहे श्री ढक्कन गुरु को उनके क्षेत्र के सभी मतदाताओं ने वोट देकर शानदार जीत दिलाई है। वहां पर अन्य पार्टियों के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। क्या करता बाप, अभी फोकट में अपना ब्रेक फेल हो जाता। ब्रेक फेल नहीं, हार्ट फेल। वही थी यार। बोलो टन जी, कोई बुरा सपना देख लिया क्या? जो देखा वो अच्छा भी था और बुरा भी। बुरा इसलिए कि उसमें अपना ढक्कन मंत्री बन गया, और अच्छा इसलिए कि वो सिर्फ सपना था। कसम से एक बार अपन की गाड़ी में पिंकी बैठ जाना तो अपनी भी निकल पड़ेगी। मुझे भी अपने साथ क्लास में ले चलो। लो, पिंकी के साथ हरिया मुफ्त। घूमते हुए पीछे पीछे आना, कुत्ते हरिया से ही सीखते होंगे। तुम लोग ठहरो, अपन पढ़ाई करके आता है। और तुम्हारे बाकी का हिसाब कौन बताएगा? यार रोज रोज हिसाब तो वही होता है, तुझे तो सब मालूम है, फिर अपन का क्या जरूरत। समझा कर यार, आज क्लास में बहुत जरूरी बात होने वाली है। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। तुम सब तो जानते ही हो कि चुनाव होने वाले, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि चुनाव आपके लिए क्या मतलब रखता है। चुनाव मतलब मुसीबत। सारा दिन सारी रात भोपो चिंगारते रहते हैं, ना सोने देते हैं ना जागने देते हैं। अरे भैया, तुम्हारे लिए तो भले ही मुसीबत हो, पर हमार पांच उंगली कीमा और सर कड़ाहिया में भूख है। इसकी तो चाय की दुकान में धड़ाधड़ बिक्री होती है। चुनाव के समय ये चाय की जगह गर्म पानी बेचता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव में हम नेता चुनते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन आप किस तरह के व्यक्ति को नेता चुनना चाहेंगे? जो एकदम ऋतिक रोशन की तरह हो। वैसे भी आजकल हीरो हीरोइनों का नेता बनने का फैशन हो गया है। अपुन तो उसी को वोट देगा जिसे पिंकी वोट देगी। नेता ऐसा होना चाहिए जो आम आदमी के हक के लिए लड़ सके, उनकी परेशानी और जरूरतों को समझ सके। एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति ही आपकी समस्याओं को समझ ही नहीं सकता, उनका निवारण भी कर सकता है। पैसा, कपड़े, अलग अलग तरह के लालच देकर जो लोग नेता बन जाते हैं, वो लोग आपकी समस्याएं नहीं समझ सकते। इसलिए जो लोग आपकी आवाज उठाना चाहते हैं, उनकी खुद की आवाज भी मजबूत होनी चाहिए। ओए सर, आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने पहले तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग सोच समझ कर जात पात को अलग करके बिना किसी लालच के अच्छी तरह से वोट देंगे और एक काबिल व्यक्ति को ही चुनेंगे। इस संतराम को पता नहीं कब हिसाब करना आएगा, अभी तक ठीक से संख्या भी लिखनी नहीं आई है। तू क्यों इतना परेशान होता है? जब संतराम आएगा उसी से पूछ लेना। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। नहीं करना तुम्हारा हिसाब हिसाब, कुछ भी ढंग से नहीं है। और तुम न जाने कहाँ गायब हो जाते हो। अपन गायब कहाँ हुआ था, वो तो क्लास में सर साहब चुनाव में वोट डालने के बारे में बता रहे थे, अपन वही जानने गया था। उसमें जानना क्या है, अब की बार जब मैं वोट दूंगा तो देख लेना, सब सीख जाओगे। तेरा 12 बजे ले क्या? क्यों, मैं वोट क्यों नहीं दे सकता? कौन कहता नहीं दे सकता, जरूर दे सकते हो। देख लिया? लेकिन 10 साल बाद। मैं इस बार ही वोट दूंगा। वोट डालने की भी एक उम्र होती है, जब तू 18 साल का हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, जब तू भी वोट डाल सकेगा। क्यों, क्या 18 साल के होने पर समझदारी आ जाती है? तू तो 18 साल से ज्यादा का है,
तू मेरे से ज्यादा अकलमंद है। ए जोजो, तू क्या इन फालतू लोगों के साथ बैठा रहता है? और संतराम, तू क्यों इसे अपने साथ बैठने देता है? आनंद साहब ने जिस दिन तेरे से हिसाब मांग लिया ना, वो क्या कहता रहता है तू? तेरी शान पत्ती धरी की धरी रह जाएगी। देखिए, इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। अरे हाँ भाई, चुनाव का माहौल है, पर ढक्कन गुरु कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। ये अजीब किस्म का नेता है ढक्कन भी। असली नेता वो होता है जो चुनाव के समय पे ही नजर आता है, और ये ढक्कन गुरु सारे साल तो बोर करता है और चुनाव के समय गायब हो जाता है। पर भाई, ये ढक्कन गुरु इस बार चुनाव किस पार्टी से लड़ रहे हैं? अरे इस सवाल का जवाब आज तक कोई दे पाया है जो हम देंगे? लो ढक्कन आ रहा है, उसी से पूछो। क्या हाल है आप लोगों के? हमारे लायक कोई काम हो तो बताइएगा। क्या ढक्कन गुरु, आजकल दिखाई नहीं देते, लगता है इलेक्शन में ज्यादा ही बिजी हो। हम सब अभी आप ही की बातें कर रहे थे। हमारे बारे में तो देश भर में चर्चा होती है, बड़े से बड़ा नेता हो या गांव का बच्चा, सभी हमारे बारे में बात करते रहते हैं। क्यों ढक्कन गुरु, इस बार किस पार्टी से चुनाव लड़ने का इरादा है? वही तो चक्कर है, इसलिए तो छुपना पड़ रहा है। क्या करूं, हर पार्टी वाले इस तरह से हमारे पीछे पड़ गए हैं कि क्या बताऊं। ये ढक्कन गुरु काय को बम मार रहा है, ठीक से बताना किस पार्टी से खड़ा हो रहा है। क्या बताएं भैया, हम बड़ी दुविधा में फंस गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि किस पार्टी को हाँ कहें। एक के पास जाओ तो दूसरा नाराज, दूसरे के पास जाओ तो पहला नाराज। आप लोग तो यकीन ही नहीं करेंगे कि कल क्या हुआ। नहीं करेंगे तो तू नहीं बताएगा, बताएगा ना? हाँ, बताना तो पड़ेगा। हाँ तो बता। हाँ, अब पता है कल क्या हुआ? कल जब अखिल भारतीय लोकतांत्रिक जनशक्ति राष्ट्रीय पार्टी वाले लोग हमारे यहाँ बैठे हुए थे कि तभी राष्ट्रीय जनशक्ति लोकतांत्रिक अखिल भारतीय पार्टी वाले भी वहाँ आ गए। बस फिर क्या था, लगे खींचा था निकलने, कोई इधर से खींचे कोई उधर से। अरे भैया, हाथ जोड़कर हमसे मिन्नतें करने लगे। वो तो हम ही जानते हैं कि हमने किस तरह से उन लोगों को ये कह के चलता किया कि हम कल यानी कि आज आप लोगों से आपके ऑफिस में आकर मिलेंगे। तो क्या हुआ, मिले उनसे? बस वहीं से आ रहे हैं। तो क्या बात हुई वहाँ, किसकी तरफ से लड़ रहे हैं चुनाव? चुनाव लड़ना चाहते हैं? कभी अपना चेहरा देखा आईना में? ढक्कन गुरु, हर चुनाव में तुमको हम यही कहते और फिर भी तुम बेशर्मों की तरह हाथ जोड़े जोड़े टिकट मांगने चले आते। अरे ढक्कन गुरु, कहाँ खो गए? हाँ, वो हम कह रहे थे कि हमने दोनों पार्टियों के टिकट को लात मार दी। हमने भी कह दिया उन लोगों से, अजी क्या बेशर्मों की तरह हाथ जोड़े चले आते हो, कभी अपना चेहरा देखा है आईने में? हमें नहीं चाहिए आपका टिकट विकट, हम तो तुम्हारी पार्टियों से परे हैं, हमें तो बस जनता की सेवा से मतलब है। लगता है इस बार भी ढक्कन गुरु का चुनाव में उतरने का इरादा नहीं है। ये नहीं सुधरेगा, इसका इलाज करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं है? बिल्कुल है। अरे भाई, ढक्कन ने ये कहा कि वो किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन ये तो नहीं कहा कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक। अरे भाई, जरूरी तो नहीं कि तुम किसी पार्टी से ही चुनाव लड़ो, तुम स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भी तो चुनाव लड़ सकते हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं, क्यों संतराम? अपुन का तो फुल टू सपोर्ट है गुरु तेरे को। ओए मेरा भी। और पिंकी ने जब सपोर्ट के लिए हाँ कर दी है तो मेरा तो नहीं करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम भी वही कहने जा रहे थे कि इस बार चुनाव हम स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। वैसे आप लोगों का पूरा सपोर्ट तो है ना? हमारा नेता कैसा हो? ढक्कन गुरु कैसा हो? ठीक है, अच्छा तो अभी हम चलते हैं, बहुत सारे काम करने हैं, बाकी चीजें शाम को मीटिंग में तय कर ली जाएंगी। है भाई लोटन, ये तुमने क्या किया? जब बच्चा रात बेरात रोता है ना, तो उसके रोने से बाकी लोगों को परेशानी होती है, तब उसके मुंह में दूध की बोतल लगा दी जाती है और वो चुप हो जाता है। मैंने भी वही किया। लगता है तुम पिंकी की बात समझे नहीं, पिंकी बच्चे के बारे में नहीं पूछ रही, पिंकी तो ये पूछ रही थी कि तुमने ढक्कन गुरु के साथ ऐसा क्यों किया। ये तो कार्बेटर में ही कचड़ा है। लोटन भैया, लोटन भैया उठिए,
आ गया जान खाने को। चुनाव की कुछ तैयारी शुरू की के नहीं? उसी के लिए तो आपके पास आए हैं। याद है हमने कहा था जब भी इलेक्शन लड़ेंगे आप ही को अपना एडवाइजर बनाएंगे। बस अब आप ही बताइए आगे क्या करना है। गड्ढा तो मैंने इसके लिए खोदा था, गिरा मैं खुद ही। मैं कह रहा था कि तुम इतने बड़े नेता हो, तुम्हें मेरी क्या जरूरत। नहीं नहीं, आपको हमारी मदद तो करनी ही पड़ेगी, आप ही तो हमारे इलेक्शन एजेंट होंगे। कुछ सोचा अब आगे क्या करना है? कुछ सोचा? ये सोच रहे थे? मुझे तो ऐसा लगा ये खाना पचाने के लिए टहल रहे थे। सुनो, सबसे पहले जरूरत है एक चुनाव कार्यालय की। हर पार्टी के उम्मीदवार का एक चुनाव कार्यालय होता है जहां से चुनाव की सारी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। हाँ वो तो ठीक है, पर अब ये चुनाव कार्यालय कहाँ मिलेगा? भाजी वाले के यहाँ मिलेगा, 2.5 रुपए किलो। बनाना पड़ेगा नेताजी कहीं जगह देखकर। मुझे लगता है एक ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जो सिटी गांव के ठीक बीचों बीच में हो। मुझे लगता है वो स्थान मुझे मिल गया, लेकिन ज्ञान सागर जी से बात करनी होगी। लेकिन वो स्थान है कहाँ? आगामी चुनाव में तोते को ही जिताना है। तोते पर मोहर लगाकर अखिल भारतीय लोकतांत्रिक जनशक्ति राष्ट्रीय पार्टी के जुझारू नेता श्री चमन चिल्ली जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। शुक्र है इन पार्टियों के चुनाव चिन्ह है, वरना नाम से तो सभी पार्टियां एक जैसी लगती हैं। अरे हंसो मत, सोचो कि तुम्हारा चुनाव चिन्ह क्या होगा। अरे लोटन भाई, अगर हम सोच सकते तो आपकी सलाह क्यों मांगते, हम नेता हैं, सोचना हमारा काम थोड़ी है। अच्छा मत सोचो, अब कम से कम इतना तो करो कहीं से जा करके अपने लिए एक अच्छा सा चुनाव चिन्ह ढूंढ लो। ठीक है। और भाई ढक्कन गुरु, कैसी चल रही है तुम्हारे चुनाव की तैयारी? बाराती और घोड़ा तैयार है, बस किसी को दूल्हा बनाना है। यूं तो हमने लाख हंसी देखे है, तुम सा नहीं देखा। और ऐसा देखा है, एक काम करती हूँ तेरे गाल पे बना देती हूँ एक, फिर सुबह शाम बैठ के देखता रहियो। यही है, मिल गया हमें। यही है, मिल गया हमें। अरे इसे क्या हो गया, मेरी चप्पल देख के ऐसे उछल रहा है जैसे कुंभ के मेले में इसे अपनी खोई हुई बहन मिल गई हो। लोटन भाई ये देखिए। ये क्या है, भाषण देने से पहले ही मिलने लगी? नहीं लोटन भाई, यही होगा हमारा चुनाव चिन्ह। यानी कि इस बार चुनाव में तुम्हारे चेहरे पर इसी के चिन्ह होंगे। हमें हमारी चप्पल दीजिए। यहाँ क्या बाटा वाले जूते चप्पल बांट रहे हैं? ए पिंकी, चलती क्या सिटी गांव का चक्कर लगा रहे हैं? हाँ, ये ठीक रहेगा। तेरा नाम पिंकी है क्या? लोटन भाई, हमारा चुनाव चिन्ह चाबी कैसा रहेगा? अरे चाबी होती है ताला खोलने के लिए, और जब तुम्हारे पास ताले में रखने की कोई चीज ही नहीं तो चाबी तुम्हारे किस काम की? वाला हम तो तंग आ गए, समझ में ही नहीं आ रहा है कि अपना चुनाव चिन्ह आखिर किसे बनाए। ढक्कन गुरु, वो जो है ना, यही है तुम्हारा चुनाव चिन्ह ढक्कन। बस यही है तुम्हारा चुनाव चिन्ह ढक्कन। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। चलो एक काम तो खत्म हुआ, अब अगली चीज हम क्या करेंगे? नेता ये है और चुनावी प्रक्रिया मुझसे पूछ रहा है। कुछ कहा? हाँ मैं कह रहा था कि भाई चुनाव चिन्ह तो मिल गया, अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग इस चुनाव चिन्ह पर ही मोहर लगाएं। चुनाव चिन्ह के बगल में हमारी फोटो लगनी चाहिए। मोहर किस चीज से लगवानी है? किस चीज से लगवानी है? हंसिए मत, अगर आप लोगों को पता है तो आप ही बता दीजिए ना। हमें लगता है कि अब हमें अपना मैनिफेस्टो भी तैयार कर लेना चाहिए। ये तुम्हारा फिस्टो बनता कैसे है? हमारा फिस्टो नहीं,
मैनिफेस्टो यानी कि चुनावी घोषणा पत्र। मगर तुम्हारे इस घोषणा पत्र में होगा क्या? अरे वही जो नेता अपने भाषण में कहते हैं, वही जो कभी पूरे नहीं होते। वाह दे वाह वाह, शाबाश ढक्कन, ये हुई ना असली नेता होने वाली बात। देखो चुनावी वादे के नाम पे कैसे नए बल्ब की तरह जगमगाया है। हाँ बाप, चुनाव में किए वादे धांसू होने चाहिए, एकदम करिश्मा कपूर जैसे। ए आप पिक्चर चुप कर, इधर मतलब की बात चल रही है, बोले तो सोचने का काम चल रहा है। तुझसे ज्यादा पता है मुझे वादों के बारे में, तूने वो फिल्म देखी है ये वादा रहा? नहीं ना, मैंने 4 बार देखी है। ए, चुप कर, नहीं तो दूध तुझे खर्चा पानी। नहीं करता जा। वादा कर ले साजना, कसमे वादे, तेरे वादे पे मैं मारा गया। चुप करो तुम दोनों। ए, पिंकी अपुन ने क्या किया, वो तो इस चित्रार का किया धरा है। भाइयों और बहनों, आप लोग शायद भूल रहे हैं कि यहाँ हमारे चुनावी घोषणा पत्र के बारे में बात चल रही थी। ए भिड़ो, तू बिंदास होके बोल, अब तेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। धन्यवाद। हाँ तो अब बताइए हमें आगे क्या करना है। अब हमें घोषणा पत्र बनाना होगा जिसमें वो सारी बातें होंगी जो तुम चुनाव जीतने के बाद करोगे। हम उद्घाटन करेंगे, इंटरव्यू देंगे, टीवी पर बोलेंगे। यानी कि तुम कुछ नहीं करोगे? नहीं लोटन भैया, अपने लोगों के लिए हम सचमुच काम करेंगे। चलिए घोषणा पत्र तैयार करते हैं। ये लो, इसमें लिख लो ताकि याद करने में आसानी रहे, और बाद में कभी जरूरत पड़े तो इसी में से देख लेना। अब ये लिखने का काम हमारा थोड़ी है, तुम ही लिखो। ऐसे नेता किस काम के, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ए भीड़ू, काई को छोड़ रहे ला, बोलना क्या करेगा? हमें लगता है कि हमें गरीबों के लिए कुछ वादे करने चाहिए, जैसे कि हम गरीबी हटा देंगे। गरीबी मिटाओ के नारे ने बहुत से नेताओं को बना दिया। आओ, ये तो बहुत आसान है, गरीबी हटाने के लिए हम गरीबों को ही हटा देंगे। फिट्टे मुंह, कैसी बात कर रहा है? अरे नहीं, मैं तो वो शक्ति कपूर का डायलॉग बोल रहा था। वो फिल्मों में जब उसको अपना होटल बनाना होता है ना, तो वो गरीबों की झोपड़ी को ऐसे ही हटा देता है। हरिया, ये हिंदी फिल्में क्या गरीब लोग बनाते हैं? नहीं नहीं, गरीब लोग बनाते नहीं है, बनाते तो अमीर लोग हैं, लेकिन गरीब लोगों को दिखाते हैं, हीरो गरीब और हीरोइन अमीर। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे। लोटन, ढक्कन कहाँ गया? गया काम से। कब, कैसे? अरे बाप रे, कल तक तो ठीक था, आज अचानक क्या हो गया? बहुत अच्छा आदमी था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ये लीजिए लोटन भाई, हम पोस्टर बनवा लाए। ये तो ठीक है, तुम तो बोला था ये काम से गया। हाँ तो काम से ही गया था, ये पोस्टर बनवाने का काम था। ये क्या ढक्कन गुरु, नाम तो गलत लिखा है, तुमने पढ़ा नहीं क्या? इसे तो ठीक करवाना पड़ेगा। इसे क्या, हम अभी जाकर उस पोस्टर बनाने वाले को ही ठीक कर देते हैं। अरे हरिया, तुम्हें कैसे पता लगा इसमें ढक्कन का नाम गलत लिखा है? मामूली बात, अभी तो तुम देखते रहो मेरा जलवा। कल ही पोस्टर में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का नाम पढ़ के आया हूँ। संतराम गवाह है। क्यों, अपन को क्या मालूम कि तू ठीक से पढ़े ला था कि नहीं? फालतू नहीं बोलना, मैं सर साहब और मैडम साहब की एक भी क्लास नहीं छोड़ता हूँ। तब ये तो तू ही जानता है कि तू क्लास में पढ़ने जाता है या किसी के चक्कर में जाता है। अरे कोई लड्डू के लालच में मंदिर जाए या भक्ति करने, मिलता तो उसे प्रभु का प्रसाद ही है। मतलब इसकी बात का मतलब क्या पूछता है? इसकी बात का मतलब जिस दिन तुझे समझ में आ गया, उस दिन तू सर साहब से पढ़ेगा नहीं, सर साहब की तरह पढ़ाएगा। अब चल, रामलोचन जी से किताबें नहीं लेनी क्या? एक मिनट, ये साइकिल पर कपड़ा मारने से साइकिल मोटरसाइकिल नहीं बन जाएगी? अरे क्या फायदा, पिंकी तो तुझे वैसे भी घास नहीं डालेगी। जिस दिन पिंकी ने मेरे को घास डाल दिया ना, उस दिन तू गधे की तरह ढेचू ढेचू करता रह जाएगा। अच्छा अभी तो तू चल बाप, हमें अभी चमन चिल्ली के इलेक्शन मीटिंग में भी तो जाना है, सुना है वहाँ बहुत सारे हीरो हीरोइन आने वाले। चल चल। अब बताओ लोटन भैया, जिस उम्मीदवार ने कैंपेनिंग के लिए हीरो हीरोइन बुलवाए हो, वोट तो पब्लिक उसी को देगी ना।
एक रहन ईर, एक रहन बीर, एक रहन फत्ते, एक रहन ये आ गए हीरो हीरोइन को देख के तुम्हारे वोटर्स। अब इन्हीं से पूछ लो ये वोट किसे देंगे। भाइयों, आपने तो चुनाव से पहले ही दल बदल लिया। क्या बताएं ढक्कन, तुम भी वहाँ होते तो चमन चिल्ली के समर्थन में बैठ ही जाते। हीरो हीरोइन को देखकर क्या तालियां और सीटियां बज रही थी। तो क्या लोग अब हमें वोट नहीं देंगे? अरे नहीं ढक्कन गुरु, भला तुम में और फिल्मी लोगों में क्या बराबरी। ये फिल्मी लोग तो भीड़ जमा करने के लिए होते हैं। जनता इलेक्शन में वोट उसी को देती है जिसके पास अकल होती है, शक्ल देख के नहीं देती। इसीलिए तो ढक्कन ज्यादा परेशान। अरे नहीं गुरु, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। तुम भी तो बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों को जानते हो, उन्हीं में से एकाध को पकड़ के ले आओ भीड़ जुटाने के लिए। क्या बताएं, सलमान खान और ऐश्वर्या राय तो आना भी चाहते थे कैंपेनिंग के लिए, लेकिन हम ही ने मना कर दिया। अब क्या होगा गुरु, अगर पब्लिक पे रोप डालना है तो किसी ना किसी हीरो हीरोइन की तो जरूरत पड़ेगी। बगल में छोरा शहर ढिंढोरा। ओए मुझे तो लगता है कि राष्ट्रीय जनशक्ति लोकतांत्रिक अखिल भारतीय पार्टी वाला ही जीतेगा। कल देखा था कटरा चौराहे पर उसकी मीटिंग में कितनी भीड़ थी। अपन शर्त लगा सकता है कि तोते वाला चमन चिल्ली जीतेगा। बहुत हो गया, अब उससे और नहीं होगा। मार डाला, सुबह से भूखा प्यासा घूम रहा हूँ। अभी अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो तुम सबको वो मर गया फिल्म देखनी पड़ेगी। वो मर गया, ये कौन सी फिल्म है? है नहीं, मेरे मरने पर बनेगी। ओए होए, तू कोई नूर जाए जो तेरे मरने पे ताजमहल बनेगा। पानी पानी, तू तो इतने में बोल गया, बड़ा चला अमिताभ बच्चन बनने। अमिताभ बच्चन जब इलाहाबाद में चुनाव लड़ा था ना तो भूखा प्यासा रात दिन वोट मांगने के लिए घूमता था। ओए, तूने अमिताभ बच्चन को देखा है? वो नहीं तो क्या, बोले तो हमने उसके इलेक्शन में बहुत नारे भी लगाए हैं। तुमने उसके भाषण भी सुने थे? कैसा बोलता था? पूछो मत बाप, क्या बोलता था, बवाल कर देता था। अमिताभ बच्चन देखने में कैसा दिखता है? वैसे ही जैसा देखने में दिखता है। अच्छा, शाम 4 बजे राष्ट्रीय जनशक्ति लोकतांत्रिक अखिल भारतीय पार्टी के उम्मीदवार श्री श्याम सुंदर जी अपने विचार आपके सामने रखेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि भारी से भारी तादाद में पहुंचकर उनके विचारों को सुने। तुम लोग बस यहाँ बैठकर ऐसे ही मस्करी करते रहो, चुनाव में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। दूसरी पार्टियों के लोग देखो कैसे भाग भाग कर दिन रात नारे लगा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैंने पिछले सालों में आप लोगों से जितने भी वादे किए वो सभी पूरे किए हैं, और वादा करता हूं कि आगे भी जो वादा मैं आप लोगों से करूंगा उसे हमेशा पूरा करूंगा। हमने पिछले सालों में आपसे कुछ कहा ही नहीं तो उसे पूरा करने का सवाल ही नहीं उठता। पर हम आगे आपसे जो भी वादा करेंगे उसे जरूर पूरा करेंगे। मैंने आप लोगों में कंबल बंटवाए, खाना बंटवाया, और ऐसा मैंने आप लोगों के प्रति अपने प्रेम के कारण किया है। श्याम सुंदर जी से आपको पहले ही कंबल और खाना मिल चुका है, तो हम आपको और कुछ देकर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते। ऐसा हम अपने देश के प्रति अपने प्रेम के कारण कर रहे हैं। देखो ये ढक्कन अपनी हर बात पर ढक्कन लगा देगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि इस बार भी आपने मुझे जिता दिया तो मैं यहां एक अच्छा सा स्कूल बनवाऊंगा, उसमें अच्छे अच्छे शिक्षक होंगे, क्योंकि मैं खुद भी शिक्षा की अहमियत को जानता हूं। और ये श्याम सुंदर 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 बातें करके आपको ऐसे ही बहकाता रहेगा। अरे हम भी खुलवा देंगे स्कूल, क्योंकि हम भी जानते हैं शिक्षा की अहमियत। लेकिन उसी में खुद भी शिक्षा पा लेना। अगर थोड़ी देर और वोट देने के लिए मुझे लाइन में खड़े होना पड़ता ना,
भाई मैं तो बेहोश ही हो जाती। बाप कितने सारे लोग थे, इतने सारे लोग तो तेली के बेटे की शादी में मुफ्त में खाना खाने भी नहीं आए थे। सच बहुत सारे लोग थे। रामू काका तो दो उम्मीदवारों को वोट देना चाहते थे, चुनाव अधिकारी से एक और मत पत्र लेने के चक्कर में वो चुनाव अधिकारी से झगड़ पड़े। ए संतराम जरा अपना ट्रांजिस्टर तो निकाल, चुनाव समाचार शुरू हो गए होंगे। नमस्कार, अब आप प्रेम प्रकाश प्रेम से विशेष समाचार सुनिए। आज देश भर में संपन्न हुए चुनावों के मतदानों की गिनती का काम पूरा हो चुका है। विभिन्न सीटों के परिणाम शाम 4 बजे से आने शुरू हो गए हैं। सिटीगांव सीट से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार श्री ढक्कन गुरु ने इस बार एक नया इतिहास रचा है। श्री ढक्कन गुरु को उनके क्षेत्र के किसी भी मतदाता ने अपना वोट नहीं दिया है। वहाँ से राष्ट्रीय जनशक्ति लोकतांत्रिक अखिल भारतीय पार्टी के उम्मीदवार श्री श्याम सुंदर जी चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री चमन चिल्ली को मैंने तो आपको गिनती में कहीं गड़बड़ वो क्या है ना कि ढक्कन गुरु जरूर कोई गड़बड़ अपुन ने तो बराबर 4 बार देख कर ठप्पा लगाया था, अब उनको एक भी नहीं नजर आया तो इसमें अपुन की क्या गलती है। तुम्हें बुरा तो लग रहा होगा ढक्कन गुरु, मगर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो ढक्कन गुरु हमें गलत मत समझना, दोस्ती यारी के इलेक्शन में बोले तो अपुन सारे वोट तेरे को ही देता, पर ये जो इलेक्शन है ना ये थोड़ा सीरियस बिजनेस है। अब भाई वोट ही तो हमें अधिकार देता है ना सही और गलत का चुनाव करने का। हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। और अब हम इतना पढ़ लिख गए हैं कि हम अपने अच्छे बुरे को समझ सकते हैं, हमें अपने वोट की ताकत का अंदाजा हो गया है। देख ढक्कन तू तो है अनपढ़, जब तू इतनी सी बात नहीं समझ सकता तो तू हमारी समस्याओं को क्या समझेगा। भाई हमें अपना प्रतिनिधि ऐसा चुनना चाहिए जो समझदार हो, अक्लमंद हो, हमारी आवाज बन सके। ढक्कन तुम्हें एक भी वोट नहीं मिला ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है किसी ने तुम्हें वोट नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे वोट का क्या हुआ? तुम्हें कम से कम तुम्हारा एक वोट तो मिलना चाहिए था। हमने अपना वोट श्याम सुंदर को दे दिया। वो क्या है कि हमने सोचा कि जब सारे वोट हमें ही मिल जाएंगे तो अपना वोट किसी और को देकर उस पर दया कर दे। सेटिंग वाला फंडा थोड़ा बदल गया है, अनपढ़ नहीं रहेंगे यारो, हमने सोच लिया है।